नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित रंजन एक बार फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी जोन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित होगा कि 9 सितंबर को भारतेंदु जी की जयंती थी, 171वीं जयंती थी। इसी के उपलक्ष्य में मैं आज जो है उन पर दो वीडियो लाने वाला हूं। इसमें पहला वीडियो है वह आप लोगों के समक्ष है, वह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जीवन परिचय, और दूसरे वीडियो में हम लोग उनकी जन चेतना के विषय में बात करेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जन चेतना, यह कई परीक्षाओं के दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भी है। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे होंगे मेरे बारे में, मेरा नाम डॉक्टर अमित रंजन है। 60वीं से 62वीं बीपीएससी में मेरा चयन हुआ था। एमए एमफिल पीएचडी मैंने किया है हिंदू कॉलेज डीयू में। मैंने वहां से किया था। जेआरएफ में मुझे लगभग 80% अंक प्राप्त हुए थे। हिंदी साहित्य बीपीएससी में मुझे 71% अंक प्राप्त हुए थे। तो खैर, अब आइए शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। तो उनका जो जन्म हुआ था वह हुआ था 9 सितंबर 1850। इसी के उपलक्ष्य में जो है 171वीं जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग यह वीडियो बना रहे हैं। 9 सितंबर 1850 को उनका जन्म हुआ था और उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 6 जनवरी 1885 को हुई थी। यानी कि वो बहुत ही अल्पायु उनको प्राप्त हुई थी, सिर्फ 35 वर्ष तक वो जीवित रहे थे। जन्म स्थान कहाँ था? तो उनका जन्म स्थान जो है वह काशी वाराणसी था, और बहुत ही संपन्न परिवार में जो है, बहुत ही अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। हालांकि कालांतर में जीवन के अंतिम समय में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन जब इनका जन्म हुआ था तो ये काशी के बहुत ही धनाढ्य परिवार में गिने जाते थे। इनका जो वास्तविक नाम था वह हरिश्चंद्र था। भारतेंदु जो है इनको उपाधि दी गई थी काशी के पंडितों के द्वारा, काशी के विद्वानों के द्वारा इन्हें भारतेंदु की उपाधि दी गई थी। शिव प्रसाद को उपाधि दी गई थी सितारे हिंद की, तो उसी के समझिए कि टक्कर में इनको दिया गया था भारतेंदु की उपाधि, यानी भारत का चंद्रमा। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद्र, जो कि गिरधर दास नाम से जो है कविता करते थे। इन्होंने नाटक भी लिखा है। और भारतेंदु जब हिंदी साहित्य में नाटक की बात करते हैं तो पहला नाटक जो अपने पिता द्वारा ही लिखा हुआ मानते हैं कि यही हिंदी साहित्य का पहला नाटक है, नहुष। तो इनके पिता जो है बहुत अच्छे कवि भी थे। तो यानी कि भारतेंदु को जो है संस्कार जो है रचना का, साहित्य का, अपने परिवार से ही मिलता रहा। हालांकि पिता का साया इनके जब ये 10 वर्ष के थे तभी इनके सर से उठ चुका था। माता जब ये 5 वर्ष के थे तो मर गए, माता जी का भी देहांत हो गया था। शिक्षा में ये बहुभाषी थे, बहुत सारी भाषाओं को इन्होंने स्वाध्याय से सीखा था। लेकिन अंग्रेजी इन्होंने जो है उस समय काशी में एक और बहुत बड़े विद्वान थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, उनसे इन्होंने भारतेंदु ने अंग्रेजी सीखी थी। पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था, 3 पत्रिकाओं का संपादन किया था। तीनों ही अत्यंत प्रसिद्ध हैं। हिंदी को एक नया मोड़ देने में तीनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, विशेष रूप से दो की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कवि वचन सुधा का इन्होंने प्रकाशन किया था 1868 ईस्वी में, यानी तब इनकी उम्र कितनी थी? मात्र 18 साल। 50 में पैदा हुए, 68 में इन्होंने कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया। और उस पत्रिका में जो है उस समय के बहुत बड़े बड़े विद्वान लेखक छपा करते थे। कवि वचन सुधा का प्रकाशन पहली पत्रिका जो इनके द्वारा प्रकाशित की गई 1868। दूसरी पत्रिका जो है वो हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से इन्होंने निकाली थी, जिसका बाद में नाम बदल कर इन्होंने क्या कर दिया था, हरिश्चंद्र चंद्रिका चंद्रिका कर दिया था। ये 1873 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, मासिक पत्रिका थी। बाद में ये बहुत जल्द बंद हो गई थी। अंग्रेज जो है इसकी 200 प्रतियां खरीदते थे, संभवतः 400 या कुछ प्रति इसकी प्रकाशित होती थी, और 400 या 500 उसमें 200 के आसपास अंग्रेज खरीद लिया करते थे। लेकिन जब अंग्रेजों ने देखा कि इसमें जो है उन्हीं के खिलाफ लिखा जा रहा है तो उन्होंने खरीदना बंद किया। लेकिन भारतेंदु जो है भारत की जो है उस समय की जन चेतना थी उसके विषय में इन्होंने बात करना नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप इनकी पत्रिका घाटे में जाने लगी और उसे बंद करना पड़ा। बाला बोधनी जो है 1874 ईस्वी में यह पत्रिका प्रकाशित हुई थी। स्त्रियों को केंद्रित करके यह पत्रिका लिखी गई थी। उस समय जैसा कि हम जब भारतेंदु का समय देख रहे हैं तो यह कौन सा समय है? यह वही दौर है जब भारत में इतिहास में क्या है, नवजागरण का दौर चल रहा था, और समाज के जो विविध समाज सुधारक थे वह स्त्रियों को लेकर समाज में, हिंदू समाज में विशेष रूप से, आलाप अपने अपने धर्म में समाज में विद्यमान कुरीतियों को का उन्मूलन कर रहे थे, और महिलाओं को लेकर बहुत सारा जो है उसमें आंदोलन चलाया जा रहा था। भारतेंदु भी उसमें पीछे नहीं थे। वो उस समय जो है
संभवतः स्नातक में जो महिलाएं प्रथम स्थान पाती थी या पास करती थी उनको ये बनारसी साड़ी भेजा करते थे। तो ऐसे ही बाला बोधिनी नामक इन्होंने पत्रिका का भी प्रकाशन किया था 1874 में। तो ये पूरी तरह से स्त्रियों को केंद्रित करके इन्होंने निकाली थी यह पत्रिका। इनकी कृतियां देखिए तो मूलतः ये जो है नाटक के नाटककार के रूप में जाने जाते हैं और हिंदी थिएटर के पितामह भी इन्हें कहा जाता है। तो इनके नाटकों को हम लोग दो भागों में बांट कर देखते हैं, एक तो मौलिक नाटक है और एक अनुदित नाटक है। मौलिक जो इन्होंने खुद से लिखा, अनुदित जो अलग अलग भाषाओं विशेष रूप से बांग्ला से उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद किया। तो मौलिक नाटकों पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, अनुदित का केवल संभव तो नाम देख लेंगे। जो हाँ, इन्होंने कुल जो है 17 नाटक लिखे मौलिक और अनुदित दोनों मिलाकर। तो मौलिक में जो है पहला है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, यह 1873 में प्रकाशित हुआ था और यह क्या था, प्रहसन था, मतलब इसमें सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग किया गया था, उसका विषय था। पहला नाटक जो है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, यह मूलतः प्रहसन था और इसकी विषय वस्तु थी सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग। दूसरा है विशस्य विषमौषधम, दूसरा क्या है विशस्य विषमौषधम, इसका प्रकाशन हुआ था 1875 ईस्वी में। दूसरा नाटक जो इनके द्वारा लिखा गया है वह है विशस्य विषमौषधम, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1876 ईस्वी था। और इसमें जो है नाटक का विषय है यह राजनीतिक नाटक का विषय है। तीसरा जो नाटक है इनके द्वारा लिखा गया था वह है प्रेम जोगिनी। प्रेम जोगिनी आपको इस स्लाइड में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तीसरा नाटक जो इन्होंने लिखा था वह है प्रेम जोगिनी। इसका पहले जो नाम था वह था काशी के छायाचित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1875 ईस्वी में हुआ था और ये 4 अंकों का है इसमें। और इसमें क्या है कि काशी जो है यानी उस समय का तात्कालिक वाराणसी था, तो वहां जो धर्माडंबर जो विद्यमान थे, जो धर्म हिंदू धर्म को लेकर जो आडंबर विद्यमान थे, उसका जो है इसमें छाया चित्र दिखलाया गया है, उसको दिखलाया गया है कि कैसे हिंदू धर्म में क्या क्या धार्मिक आडंबर विद्यमान है। उसी समय लिखे गए जो थे आपको उपन्यास जो है भाग्यवती, उसमें भी काशी में विद्यमान जो है धार्मिक आडंबर का चित्रण, बहुत सुंदर चित्रण वहां पे मिलता है कि किस तरह से वहां ठगी होती थी धर्म के नाम पे। वैसे ही इसमें जो है प्रेम जोगनी जो है इसमें भी काशी का धर्म आडंबर का चित्रण है। और ये जो है इसका पर प्रकाशन हुआ था, मतलब इसको पहले छापा था इन्होंने किस नाम से, जैसा कि मैंने पहले बताया काशी का छाया चित्र या दो भले बुरे फोटोग्राफ, और यह हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला जो नाटक है वह है चंद्रावली, इसका प्रकाशन हुआ था 1876 ईस्वी में। उसके बाद भारत दुर्दशा, बहुत ही प्रसिद्ध नाटक, इसी में है प्रसिद्ध पंक्ति, आवहू मिलके रोवहू भारत भाई, हाहा भारत दुर्दशा देखी न जाई। तो भारत दुर्दशा है 1880 में प्रकाशित हुआ था। नाट्य जो है ये नाट्य रासक है या लास्य रूपक है, प्रकार इसका क्या है ये बता रहा हूं मैं। और इसमें क्या है कि भारतवर्ष की उस समय की जो तात्कालिक स्थिति थी उसका इसमें वर्णन किया गया है। इसी में जो है कि कुछ विवादित टिप्पणियां भी हैं जिसमें कि जिससे पता चलता है भारतेंदु की सोच का पता चलता है, भारतेंदु की जो सीमाएं हैं वो कुछ पता चलता है। जैसे कि इसी में कहा गया है कि अब तू जागो भारत भाई, अब मुगलों के प्रचंड शासक के दिन गए, मतलब अब अंग्रेजों के समय में भी जब तुम नहीं जागोगे तो किसके समय में जागोगे, इस तरह के कथन यहाँ पर हमें दिखलाई पड़ते हैं। लेकिन कुल मिला जुला कर जो है ये बहुत ही शानदार नाटक है। और यह जो है भारत में भारत की उस समय क्या स्थिति थी और राजनीतिक चेतना से संपन्न नाटक है। अगला नाटक है नील देवी, 1881 में प्रकाशित हुआ था। और इसका प्रकार क्या है तो गीति रूपक है, यह जानना जरूरी है कि कौन सा क्या है प्रकार, क्योंकि नेट जेआरएफ की जब आप अगर तैयारी करेंगे तो पूछ देता है विशेष रूप से आपको ये जो कि कौन सा नील देवी है तो उसका क्या प्रकार है। तो नील देवी क्या है, कुछ नहीं है, इसमें एक स्त्री की कहानी है, स्त्री के व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की बात की गई है। और ऐसा माना जाता है कि यह ऐतिहासिक नाटक है, इतिहास सम्मत है। नैला देवी करके एक रानी हुआ करती थी वास्तव में इतिहास में, लेकिन केवल नाम का ही साम्य है। आलोचकों का एक वर्ग मानता है कि केवल नाम का साम्य है, बाकी सब कुछ इसमें काल्पनिक है। और सबसे जो प्रसिद्ध है जिसकी मैं बात कर रहा था, अंधेर नगरी, जिसने जो है भारतेंदु को बहुत ज्यादा ख्याति दी। अंधेर नगरी क्या है, विशेष रूप से इससे पूछा जाता है कि अंधेर नगरी जो है उसका क्या प्रकार है, तो यह प्रहसन है।
आप जो किताब इनका नाटक अगर खरीदिएगा ना, तो पहले ही पृष्ठ पर ये लिखा रहता है कि कौन क्या है। जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा ना बहुत प्रहसन है, वैसे ही अंधेर नगरी भी प्रहसन है और 1881 में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके विषय में कहा जाता है कि इसको भारतेंदु ने एक बैठक में एक रात में लिखा था। हालांकि इसका जो कहानी है वो पहले से ही जो है भारतीय समाज में, भारतीय जन में क्या थी कि विद्यमान थी अंधेर नगरी की। और ऐसा कहा जाता है कि इसको जो है उस समय बिहार का एक जमींदार था, बिहार प्रांत का, तो उसको सुधारने के लिए भारतेंदु ने इस प्रहसन की रचना की थी, मतलब उसको ही लक्षित करके इसकी रचना की थी। और अंतिम जो इनका मौलिक नाटक है वह है सती प्रताप, और ये अधूरा नाटक है, इसको वो पूरा नहीं कर पाए, पौराणिक नाटक है। इसका प्रकार क्या है तो ये पौराणिक नाटक है और इसको ये पूरा नहीं कर पाए, और राधा कृष्ण दास ने क्या किया था कि इस नाटक को पूरा किया था। सती प्रताप क्या है, सावित्री सत्यवान का जो कहानी है ना पुराना वाला, तो सत्यवान जो है उसको यमराज उसको उसका मौत मतलब उसके प्राण हर कर ले जाते हैं, सती उनके पीछे पीछे जाती है और अपने पति को वापस लेके आ जाती है, तो उसी वही कहानी है सत्य प्रताप की। तो ये इनके द्वारा लिखित 8 मौलिक नाटक हैं, कुल मिलाकर इन्होंने 17 नाटक लिखे, तो यानी 9 जो है क्या है अनुदित नाटक है। अनुदित नाटक में मुद्रा राक्षस है, विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन कुछ प्रसिद्ध नाटक है। तो हम लोग आते हैं कि अभिनीत नाटक, अभिनीत नाटक से क्या तात्पर्य है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है न सिर्फ नाटक लिखे बल्कि कुछ नाटकों में इन्होंने अभिनय भी किया। तो वो नाटक कौन कौन से हैं, तो 3 नाटकों में विशेष रूप से उल्लेखनीय है जिसमें इन्होंने अभिनय किया। नील देवी में इन्होंने पागल का रोल किया था, सत्य हरिश्चंद्र में इन्होंने क्या है हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई थी, और जानकी मंगल जो है जानकी मंगल में इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। अब कुछ विशेष देख लेते हैं नाटकों से जुड़े हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र के। तो पहला नाटक जो है इनके द्वारा लिखा गया है वह विद्या सुंदर माना जाता है, विद्या सुंदर अनुदित नाटकों की श्रेणी में आता है। पहला नाटक जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया वह विद्या सुंदर है। हालांकि जो विद्वानों का एक वर्ग है वह यह भी मानता है कि इनके द्वारा पहला लिखा गया नाटक है वह विद्या सुंदर न होकर प्रवास है। ठीक है, भारत जननी जो है हिंदी की पहली मौलिक ओपेरा है। भारत जननी क्या है, यह भी इनके द्वारा अनुदित नाटक ही है। तो हिंदी की पहली जो है मौलिक ओपेरा है, ठीक जैसे कि भारत दुर्दशा थी हिंदी की पहली मौलिक राजनीतिक नाटक, भारत दुर्दशा को हिंदी का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक होने का जैसे श्रेय प्राप्त है, वैसे ही भारत जननी को क्या श्रेय प्राप्त है, भारत जननी को श्रेय प्राप्त है कि यह हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा है। कुछ अन्य तथ्य में हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या किया था, नेशनल थिएटर काशी की स्थापना की थी, काशी में इन्होंने थिएटर की स्थापना की थी जिसका के नाम था नेशनल थिएटर। तो हमने देखा नाटककार भारतेंदु हरिश्चंद्र को और उनके द्वारा लिखित नाटकों को, और उनकी जो कुछ विशेषताएं थी प्रत्येक नाटक या प्रहसन से रास रूपक या लावणी इत्यादि से जुड़ी हुई जो कुछ विशेषताएं थी हमने उसको देखने का प्रयास किया। लेकिन भारतेंदु ने सिर्फ नाटक ही नहीं लिखा, ऐसा ही थोड़ी भारतेंदु को कहा जाता है हिंदी साहित्य के इतिहास के कालखंड को, इन्होंने साहित्य की लगभग हर विधा में अपनी कलम चलाई थी। इन्होंने नाटक के अलावा निबंध लिखे, कविता इन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखी थी। ठीक है, लेकिन उनकी अधिकांश कविताएं प्रेम परक हुआ करती थी, हम लोग आगे उस पर आएंगे। इन्होंने निबंध भी लिखा था, कहानी भी लिखी थी, यात्रा वृत्तांत भी लिखा था, उपन्यास भी लिखने का इन्होंने प्रयास किया था। तो इनका जो निबंध संग्रह कुछ प्रसिद्ध है उसमें काल चक्र, लेवी प्राण न लेवी, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, नाटक, ये 4 जो है, और हिंद स्वर्ग में विचार सभा, यह बहुत ही उल्लेखनीय है इनके द्वारा लिखे गए निबंधों में। कहानी में इन्होंने लिखा था अद्भुत अपूर्व स्वप्न, ये भारतेंदु द्वारा लिखित कहानी है। अगर आप नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब सवाल पूछा जाता है, यही सब सवाल उसमें पूछा जाता है, अपूर्व वर्ष के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो। और अगर नहीं भी नेट की तैयारी कर रहे हैं, BPSC वगैरह में भी मेंस में अगर भारतेंदु से जुड़ा कुछ आता है तो आप ये सब जो डाल देंगे, तो जैसे कि मैं बोलता हूँ पिज्जा होता है, पिज्जा के ऊपर जो ऊपर टॉपअप हम लोग डालते हैं पनीर का, तो ये वही काम करेगा, आपका मार्क्स 2-4 अंक बढ़ा देगा। अगर वैसा कोई भी प्रसंग आता है आप ये सब डाल देंगे 2-4 अंक बढ़ जाएगा। क्या उनकी भारतेंदु पर कुछ लिख रहे हैं भूमिका में ये सब लिख देंगे तो निश्चित रूप से जो कॉपी जांचने वाला है वो प्रभावित होगा। तो कहानी के अलावा इन्होंने यात्रा वृत्तांत लिखा था, जिसमें एक है सरयू पार की यात्रा, यह ज्यादा प्रसिद्ध है। हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु है वो बहुत ज्यादा यात्रा करते थे, इन्होंने बैलगाड़ी से भी यात्रा की है, रेलगाड़ी से भी यात्रा की है, तो वही यात्रा वृत्तांत इन्होंने लिखा है जिसमें सरयू पार की यात्रा बहुत फेमस है।
इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है और उसका नाम है कुछ आप बीती कुछ जग बीती। यह इनके द्वारा लिखित बहुत प्रसिद्ध आत्मकथा है और जैसा कि मैं बतला रहा था उपन्यास इन्होंने लिखने का प्रयास किया है जिसमें पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा इन्होंने दो उपन्यास लिखे हैं। और इन्होंने क्या क्या स्थापना की थी, इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि भारतेंदु ने भारतेंदु मंडल की भी स्थापना की थी। भारतेंदु मंडल क्या था, लेखकों का एक समूह है और वो भारतेंदु के इर्द गिर्द घूमते थे। इर्द गिर्द घूमते थे मतलब उसके केंद्रीय व्यक्तित्व जो थे वह भारतेंदु थे। केंद्रीय व्यक्तित्व उसमें कौन थे, भारतेंदु। और उसके अलावा उसमें कई सारे उस दौर के कवि रचनाकार थे। तो इन्होंने कविता वर्धनी सभा की स्थापना की थी, पेनी रीडिंग क्लब की स्थापना की थी। और इनको जो मैंने पहले ही बताया था भारतेंदु की जो इनको उपाधि है, नाम तो इनका हरिश्चंद था, भारतेंदु को जो इनको उपाधि दी गई थी वो 1880 में काशी के पंडितों ने दी थी। यहाँ पर पंडित रघुनाथ कहीं कहीं नाम मिलता है, आप काशी के पंडितों ने दी थी अभी कहेंगे तो चलेगा। अब देखते हैं इनकी भाषा, किस भाषा का वो प्रयोग करते थे। भाषा भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि जब कविता लिखते थे तो ये लिखते थे ब्रज भाषा में लिखा करते थे, और गद्य लिखते थे वो खड़ी बोली में लिखते थे। कविता उन्होंने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया लेकिन उनका ऐसा मानना था, एक कोटेशन भी है कि मैंने बहुत प्रयास किया कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, ठीक है इस तरह से है, जिसका भाव यह है कि वो कहते हैं कि कविता जो है मैंने खड़ी बोली में लिखने का प्रयास किया लेकिन यह जो भाषा है खड़ी बोली वो कविता के अनुकूल नहीं है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं है, उसमें वो क्षमता नहीं है, उसकी औकात नहीं है। थोड़ी डेरोगेटरी लैंग्वेज में उन्होंने लिखा था कि खड़ी बोली में कविता नहीं की जा सकती है। अब अंत में हम लोग देखते हैं इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां, काफी कई सारी पंक्तियां इनकी काफी प्रसिद्ध रही हैं और इनके बारे में भी कुछ आलोचकों ने कहा है वो काफी प्रसिद्ध रहा है, लेकिन उनमें से हम दो चार प्रसिद्ध पंक्तियों को लेंगे। इसमें एक है अंग्रेज राज सुख साज सजा, यहीं पे इनकी राजभक्ति बनाम राष्ट्रभक्ति के द्वंद इत्यादि में इसकी चर्चा की जाती है। तो उसमें पहला है अंग्रेज राज सुख साज सजा सब भारी, पाए धन विदेश चली जात यही अति भारी। वो कहते हैं अंग्रेज राज में सब सुख सुविधा है लेकिन हमारा धन जो है भारत से विदेश चला जा रहा है, ये बड़े दुख की बात है। वही ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसकी चर्चा दादा भाई नौरोजी करते हैं अपनी पुस्तक में पहली बार, और दादा भाई नौरोजी ही भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या है पर कैपिटा इनकम जो है कैलकुलेट करने की कोशिश की थी। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और संभवतः 20 रुपया ऐसे कुछ निकाला था उन्होंने। दूसरी पंक्ति है जो कि आपको हिंदी दिवस अभी आ ही रहा, 9 सितंबर है, 14 सितंबर को आपको दिखेगा कई जगह लिखा हुआ, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है तो सूल। यह भी इनकी बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है और ये भारत दुर्दशा में जैसा कि मैंने पहले कहा था रोवहु सब मिल के भारत भाई हा भारत दुर्दशा सही न जाई। तो यह था आप सबके सम्मुख भारतेंदु हरिश्चंद के विषय में। इस वीडियो में हमने भारतेंदु हरिश्चंद का जीवन परिचय देखा, उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कृतियों के विषय में देखा, उनकी कृतियों की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं थी उसमें हमने उस पर हमने बात की, विशेष रूप से नाटकों की। और अंत में 2 मिनट हम लोग देख लेते हैं उनकी कविता, यरसा नाम से जो है उपनाम से कविताएं लिखा करते थे ब्रजभाषा में जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इनकी कविताएं जो थी मूलतः प्रेम पर कविताएं थी और ये आप सब जानते होंगे वैष्णव संप्रदाय के थे, तो कृष्ण भक्ति कविताएं भी इन्होंने की हैं। वैष्णव संप्रदाय में ये विकसित थे, आगे चल के ये संभवतः राधा वल्लभी संप्रदाय में विकसित होते हैं, इनका परिवार पहले से ही वैष्णव संप्रदाय में था, तो इसलिए इन्होंने कृष्ण भक्ति प्रेम की रचनाएं भी की। मूलतः इन्होंने प्रेम पर रचनाएं की और कविता की विषय वस्तु एक और क्या है, प्रकृति है, कहीं कहीं सामाजिक विषय वस्तु भी इनकी कविताओं में मिलती है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में भारतेंदु के विषय में तथ्यात्मक जानकारी समग्र रूप से देखा। अगले वीडियो में हम लोग जो है भारतेंदु की जन चेतना के विषय में बात करेंगे, हम लोग देखेंगे कि भारतेंदु की जन चेतना के आयाम क्या थे, कहां कहां वो दिखलाई पड़ता है, उनकी जन चेतना की सीमाएं क्या थी और अंत में विश्लेषण हम लोग उसका करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और अंत में यही कहूंगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों को देखें दिखलाएं, क्योंकि ज्ञान बांटने से जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ बढ़ता है। धन्यवाद।